देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कंचन। फिरोजाबाद ब्लॉक के क्षेत्र उस्मानपुर गांव में बाढ़ का पानी खेतों में घुसा, सैकड़ों बीघा खेत जलमग्न। जब मीडिया ग्राम उस्मानपुर पहुंची तो मीडिया से रूबरू होते ही ग्रामीणों ने बताई अपनी दिल की बात। कोमल सिंह ने बताया कि यहां पर सैकड़ों बीघा खेत बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गए, लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं एक महिला ओमवती देवी का कहना था, हमारी 80,000 रुपए की भैंस भी पानी में डूबकर मर गई, जो कुछ दिन पहले हमने खरीदी थी। हमारे पास यही एक रोजी रोटी का साधन था जो बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गया, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ग्राम प्रधान को बुलाया तो ग्राम प्रधान ने आने से इनकार कर दिया और मीडिया के सामने आने से बचने का प्रयास किया। प्रधान से कहा तो वो देखने तक नहीं आया, यहां तक कि कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी भी हालातों का जायजा लेने नहीं आए। आशा भरी निगाहों से कैमरे के सामने अपनी दर्द की गाथा सुनाते रहे ग्रामवासी। बाढ़ के पानी के चपेट में प्रसिद्ध भोलेनाथ का मंदिर की तलहटी में अभी आने लगा पसीने वाले हनुमान जी। सोफीपुर पर बाढ़ के पानी का जलस्तर इस कदर बढ़ा कि 25 सीढ़ियां सारी की सारी डूब गईं। पुलिस प्रशासन को मुद्दत किया गया है ताकि कोई वहां तक न जाए, जान माल का कोई नुकसान ना हो सके। वहीं पुलिस कर्मचारियों ने जनता को समझाने का प्रयास किया कि नदी की तरफ ना जाएं, सुरक्षित रहें, परिवार के साथ रहें। कहां रहती हैं? ओमवती उस्मानपुर रहते हैं। क्या समस्या है आपकी? हमारी भैंस चली गई बाढ़ में और 100 बीघा जमीन लोग बाग की चली गई, कहां से खाना पीना खाएंगे बेचारे, बताओ। किस में चली गई? बाढ़ में, जमुना में। जमुना की बाढ़ में? और ये 80,000 की भैंस चली गई गाँव में, लोगों ने पकड़ी, पकड़ाई नहीं गई। और बता जी, पुजारी जी क्या नाम है आपका और ये कौन सा स्थल है? मुकेश भारद्वाज मेरा नाम है जी, और ये चंद्रवार गांव है, उस पर पसीने वाले हनुमान जी का मंदिर है जमुना के किनारे। और इस मंदिर पर इतने भक्त लोग आते हैं, इसका कोई वो ही नहीं है। और अभी जमुना तेज हो रही है तो जमुना में आने से यहाँ 25 सीढ़ियाँ हैं, 25 सीढ़ियाँ पूरी की टूरी डूब गई हैं। अब भोला के मंदिर पे अभी बंद करा दिया गया है, क्योंकि शंकर जी का मंदिर जमुना के किनारे है, इसलिए अब उसमें पानी भरने का डर है। प्रशासन को अवगत हो चुका है? जी हाँ, प्रशासन को अवगत हुआ, प्रशासन भी यहाँ है। अच्छा, मौजूद है प्रशासन? जी हाँ, प्रशासन मौजूद है जी, और वो तो वैसे ही है जी। बोलो, क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं आप? हमारा कोमल सिंह नाम है, गांव उस्मानपुर है, थाना बसई मोहरपुर है, जिला फिरोजाबाद है। अच्छा, क्या काम है आपका? हमारे यहाँ पानी की वो बाढ़ आ चुकी है और साहब बहुत नुकसान हो चुका है, कम से कम 100 बीघा जमीन पक्की और बाढ़ में चली गई, और सरकार यहाँ पर को ही सुनाई अभी तक नहीं है। हम जो चाहते हैं कि यहाँ जी पालन है इनका, जी सबरा है जमीन में, है सो यही चली गई सब गई, और साहब पूरे गाँव में भी चली गई मतलब, और कोई ना आता ही नहीं अभी तक, तो कोई आया ही नहीं है। और साहब प्रधान आता है तो पलंग ही मतलब चला जाता है, कोई सूचना हम दें तो दें। हम मदद मांगते हैं सरकार से कि हमारे यहाँ जी मतलब सबका, हमारा जी खाना पीने का जी पूरे गांव का, तुम करो पूरे गांव का पालन, हमारा पूरे गांव का पालन करे सरकार। और साहब बहुत नुकसान हो गया, पाले सब चली गई जमीनों, कोई रही है नहीं, नष्ट ही है गई सब रही, बाढ़ आ चुकी है, भूस भी चला गया नन्ने की कुर्री सब नाए फाई भाई में चले गए। किसी अधिकारी को सूचना दी आपने? और यहाँ कोई अधिकारी आएगा तो हम कहा सूचना दें, प्रधान देगा, प्रधान आता ही नहीं है, हम सूचना दें क्या? देख के चला जाता है यहाँ पर, सब आते हैं।